Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss NCERT unsolved questions. Students, chemistry के अंदर NCERT के questions बहुत important होते हैं board के exams के point of view से. तो students, यहाँ मैं आपको सभी questions तो explain नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको केवल वो questions explain कर रही हूँ जिनमें थोड़ा twist है और जो थोड़े टिपिकल टाइप के हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं 1.6. इसमें स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर स्टूडेंट्स हमको इनको क्लासिफाई करना है. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये पता लगना चाहिए कि यहाँ एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी और उसमें हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो फोर टाइप के थे, जिसमें हमारे आयनिक सॉलिड्स थे, कोवेलेंट सॉलिड्स थे, मेटेलिक सॉलिड्स थे और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे. और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी फिर थ्री टाइप्स के थे, जिसमें हमने नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक एक नाम देखते जाएंगे. मैं आपको डायरेक्ट आंसर से ही बताती हूँ स्टूडेंट्स, आयनिक की कैटेगरी में कौन आएगा स्टूडेंट्स, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, वो कंपाउंड कौन से होंगे, आयनिक और आयनिक कंपाउंड में क्या आएंगे स्टूडेंट्स. जितने भी फॉर्मूले हम लोग करते हैं इनऑर्गेनिक के, वो सब इसमें आएंगे. जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होता है इसका स्टूडेंट्स, K2SO4 होता है, ये आयनिक है. ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर मेटेलिक. स्टूडेंट्स, मेटेलिक के अंदर कौन आएगा, ऑब्वियसली मेटल्स और एलॉयस आएंगे. तो आप देखिए ये टिन कौन है, मेटल है. ठीक है, तो ये इसका मेटेलिक में आ गया. यहाँ कौन से बॉन्ड मिलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड मिलेंगे. उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर नॉन पोलर. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, हम कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला देखते ही बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या पोलर है. तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, उसके आधार पे जो मैंने आपको बताए थे कि किस तरह हम पता कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें हाइड्रोकार्बन थे और बेंजीन क्या होता है, C6H6. तो ये हाइड्रोकार्बन है तो ये नॉन पोलर होगा, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, वंडरवॉल फोर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें आता है यूरिया. अब देखो स्टूडेंट्स, यूरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH2C(OOH)2. ये होता है यूरिया. और इसमें आप देखो कि नाइट्रोजन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है, यानी मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, पोलर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आता है इसके अंदर स्टूडेंट्स अमोनिया. अमोनिया स्टूडेंट्स जो है आपको पता है NH3 को बोलते हैं, और यहाँ एच बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसके पास एच भी और एच से जुड़ा हुआ एन भी है. ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा आता है कि वॉटर. अब देखो स्टूडेंट्स, वॉटर भी एच बॉन्डेड होगा क्योंकि यहाँ पर भी एच है और एच से जुड़ा हुआ क्या है, ओ है. जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS, तो ये तो आयनिक हो गया. ग्रेफाइट, हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोवेलेंट होता है, या इसको हम नेटवर्क में भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह की शीट्स बनी होती हैं और वो जो शीट्स होती हैं वो आपस में वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी होती हैं. रूबीडियम स्टूडेंट आपको पता है मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मेटल है, तो मेटेलिक में आएगा. आर्गन स्टूडेंट्स जो है ये नोबल गैस है, और मैंने आपको बताया था जितनी भी नोबल गैसेज होती है वो नॉन पोलर में आती है, तो ये मॉलिक्यूलर नॉन पोलर हो गया. सिलिकॉन कार्बाइड जो है SiC, देखो स्टूडेंट्स दोनों ही 14 ग्रुप के हैं तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इनका नेटवर्क मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. या बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो मैंने लास्ट वीडियो आपको शेयर करी थी वो इसी से रिलेटेड शेयर करी थी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए. और स्टूडेंट्स, मैंने बहुत छोटे छोटे टिप्स दे रखे हैं जिससे कि आप समझ सकते हो कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किस बेस पर, किस लॉजिकल बेस के ऊपर हम उनको क्लासिफाई करें. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, और वो है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 7 कि जो सॉलिड ए है वो बहुत हार्ड है, तो ऑब्वियसली उसमें बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. इंसुलेटर है, तो अब और सॉलिड स्टेट में भी है और मोल्टन स्टेट में भी है. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ उसने दो क्लू दिए हमें.
अगर सॉलिड स्टेट में है लेकिन मोल्टन में नहीं है, वो इंसुलेटर तो भाई वो क्या हो सकता था, आयनिक हो सकता था, लेकिन अब इसलिए आयनिक नहीं है क्योंकि ये किसी भी स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हर हाल में इंसुलेटर ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स बताओ वो कौन सा बॉन्ड है जिसके बनने के बाद जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो और उस बॉन्ड के बनने के बाद जो मॉलिक्यूल बने वो इंसुलेटर भी हो, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कोवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस तरह के क्रिस्टल्स में मिलता है स्टूडेंट्स, ये ऐसा ये एग्जाम्पल जो हमने पहले ही कर रखे हैं, कार्बन डायमंड आ जाता है, कार्बन ग्रेफाइट आ जाता है, ये सब। ग्रेफाइट में तो सॉरी स्टूडेंट्स जो फोर्स होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है, और वो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन यह बात किसकी चल रही है, हार्ड की चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, बाय, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना वो कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो सॉलिड स्टेट में हमें वैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज हो जाते हैं, कैटायन और एनायन, तो वो फ्री नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी हो तो इसके लिए जरूरी है कि आयनों का मूवमेंट, और आयनों का मूवमेंट इस केस के अंदर नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, और वो है स्टूडेंट्स हमारा ये कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड हेक्सागोनल एंड मोनोक्लोनिक यूनिट सेल्स। स्टूडेंट्स दोनों को फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप अपना डायग्राम बनाना इसके अंदर, फेस सेंटर वाला डायग्राम बनाना जिसके अंदर कॉर्नर पर भी एटम्स होंगे और प्लस फेस के सेंटर पर भी होंगे, और एंड सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स केवल दो ही फेसेस पर होंगे और वो दोनों फेसेस एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, प्लस क्या होगा, कॉर्नर। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो डायग्राम जरूर बनाना, इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स, जो हमने सेवन टाइप्स की यूनिट सेल्स करी थी उसमें से ही दो टाइप है हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इनका ए बी सी यानी कि एज लेंथ जो होती है वो उस पर डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन, और अल्फा बीटा गामा जो इनके बीच में एंगल्स थे उनके बीच में, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, और ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप इसको क्रैम कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स ये देखिए, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम, हाउ मच पोर्शन ऑफ एटम, यहाँ से आपको क्लू मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ठीक है, कॉर्नर बॉडी सेंटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमने जो शुरू में करा था कि कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और बॉडी सेंटर का कितना होता है 1 है, तो ये वही है, बस थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट इसलिए आ गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पोर्शन की बात करी और हमने इसको जो पढ़ा है वो किस फॉर्म में पढ़ा है, कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में पढ़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स हम 15th पर, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि कंपाउंड एचसीपी के अंदर है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, इसके अंदर टोटल वॉइड्स कितने होंगे, टोटल वॉइड्स का मतलब ये है टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, एंड हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, और दोनों का टोटल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हमें 0.5 मोल अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये स्टूडेंट्स पूरा जो है आपका, जब मैंने ये पीडीएफ बनाई तो पूरा आपका सेंटेंस आया नहीं, एक्चुअली इसमें 0.5 मोल क्रिस्टल की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम मोल को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम मोल्स को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे नंबर में। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं बोलो, कि हम ये लगाएंगे n इज इक्वल टू n अपॉन n जीरो, तो ये हमारा मोल है, ये एवोगैड्रो नंबर है, हमें n निकालना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0.5 मोल को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और उसके दुगने क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के दुगने होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में
0.5 मोल है, यानी 3.011 इंटू 10^23 हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इतने ही हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड इसके दुगने हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है। क्या क्या आ गई स्टूडेंट्स, की नंबर ऑफ एटम्स इतने हो गए और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी इतने ही है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यानी ये हमारे पास में आ गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये हमारे पास आ गए टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल कितने होंगे स्टूडेंट्स, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपका देखो एक तो हमें इसको ऐड करना है और एक हमें इसको ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस हमें ये करना था इसके अंदर, तो यहाँ क्या आएगा इंटू 10^23 आएगा। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो पावर तो वही 23 रह जाएगी, और जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ आप करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, अपनी बुक में करेक्शन कर लेना आप स्टूडेंट्स, यहाँ 10^23 लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स, एक कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एम से और एन से। द एलिमेंट एन फॉर्म सीसीपी, एन क्या बना रहे हैं, सीसीपी बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स माना कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, एन हो गए, अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। हमने ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है, n n 2n हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए एटम, ये हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड। अब स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो n है ना वो तो सीसीपी में है, n यानी n तो आपका हो गया सीसीपी में हो गया, और जो आपका m है ना वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं, 1/3 में ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे m और n लिखते हैं। ठीक है, अब m है टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 2n है, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 1/3, तो भाई 1/3 भी कर देंगे हम, और ये कितने हैं आपके, n है, n जो n की वैल्यू है वो n है, तो n से n क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया m 2/3 इंटू n आ गया, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, m 2 n 3 बन जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल, और मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, और जो जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें मोलर मास दे दिया गया है, यानी कैपिटल एम दे दिया है। ठीक है, एज लेंथ उन्होंने हमें दी है, यहाँ क्लियर नहीं नजर आ रही स्टूडेंट्स, एज लेंथ जो है वो 405 पिकोमीटर दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ डेंसिटी दे दी है उन्होंने हमें, एज लेंथ उन्होंने हमें दे दी है, एन ए यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स, वो पूछ रहे नेचर ऑफ क्यूबिक सेल क्या है। तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ क्यूबिक सेल का मतलब क्या है, कि वो सिंपल है, कि वो बीसीसी है, या वो एफसीसी है। तो ये पता तो हमें तब लगेगा ना जब हमें जेड की वैल्यू पता होगी, यानी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है, जेड निकालना है। लेकिन स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल हमें इतना सिंपल नजर आ रहा है ना, वो इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर आपके यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम आएगी। अब देखो स्टूडेंट, मास उन्होंने किलोग्राम पर मोल में दिया, डेंसिटी उन्होंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी, तो बताओ जो एज लेंथ है उन्होंने हमें पिकोमीटर में दी है, तो पिकोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिकोमीटर को स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये हो जाएगा 405 × 10^-12 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स अपने फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा जेड, जेड इज इक्वल टू ये हमारी हो गई डेंसिटी होगी, ये हमारा हो गया 10^-12। तो स्टूडेंट्स 10^-12 होता, लेकिन ये देखो 405 × 10^-12 था, तो उसको न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया है, 4.05 × 10^-10 कर दिया, इसका होल क्यूब कर दिया, ये एवोगैड्रो नंबर आ गया है और ये जो है हमारा मास आ गया है। तो हमने देखा सॉल्व करने के बाद ये 3.99 आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट किसका है, 4, और बताओ 4 किसका होता है, एफसीसी का, एफसीसी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई, या एफ सम फेस सेंटर क्यूबिक कह सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखो यहाँ यूनिट की प्रॉब्लम थी, अदरवाइज न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि 4.05 में अगर हमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो हम 4 × 4 × 4 करके 4 × 4 = 16, 4 कितना कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं और इसको हम 6 मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट, इससे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर पड़ेगा एंड इन व्हाट वे, किस तरीके से पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर किसी क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो ऑब्वियसली जो एटम्स या आयंस जो अपने लैटिस पॉइंट्स पे थे वो डिसलोकेट होंगे, अपनी जगह से हिलेंगे, जब अपनी जगह से हिलेंगे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब वो अपनी जगह से हिल के स्टूडेंट्स, दोनों ऑप्शन है, वो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर भी जा सकते हैं और वो विद इन द क्रिस्टल इंटरस्टीशियल साइट पे भी रह सकते हैं। अगर तो वो इंटरस्टीशियल साइट पे रह गए तो फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाएगा और ऐसे स्थिति में उसकी डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स वो क्रिस्टल को लीव कर गए हैं, छोड़ गए हैं, तो ऐसे स्थिति में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहां कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, वैकेंसी, या वो वैकेंसी डिफेक्ट स्कॉट की डिफेक्ट भी हो सकता है और ऐसे स्थिति में डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि हीट करने के बाद में जो एटम है वो अपनी लैटिस पॉइंट को तो छोड़ा है उसने, बट वो इंटरस्टीशियल साइट पे चला गया या वो क्रिस्टल को ही छोड़ के चला गया। अगर तो वो क्रिस्टल को छोड़ के चला गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया, वो इंटरस्टीशियल साइट पर आ गया है, तो ऐसे स्थिति में उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, केवल स्कॉटकी डिफेक्ट को ही यहाँ पर का ही क्राइटेरिया लिया है, आप इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट का भी क्राइटेरिया ले सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा स्टूडेंट्स, Which type of stoichiometric defect? अब देखो स्टूडेंट, stoichiometric defect कौन सा होगा भाई, हमने एग्जाम्पल लर्न करें, ZNS किस में होगा, फ्रेंकल में होगा, AGBR ऐसा है स्टूडेंट जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी मिलेगा और स्कॉट की भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली क्या है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए एग्जाम्पल से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ vacancies are introduced in anionic solid when the cation of higher valency is added as an impurity. देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते ही एक तो यहाँ पर हमें क्लू मिला इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, तो हमने देखा था स्टूडेंट्स जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं वो तो दो तरह के होते हैं, आयनिक क्रिस्टल में भी होते हैं और ये जो होते हैं वो कोवेलेंट क्रिस्टल के अंदर भी होते हैं। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स, किसकी बात हो रही है, बैलेंसी की बात हो रही है कि हायर बैलेंसी को ऐड किया जाता है, इंट्रोड्यूस इन आयनिक सॉलिड की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो याद करो कि हमने NaCl का क्रिस्टल लिया था और उसमें हमने SrCl2 ऐड किया था, तो हुआ क्या था स्टूडेंट्स, 2Na+ जो है वो किसके द्वारा जो है वो रिप्लेस हो गए थे, वो एक SR+2 के द्वारा रिप्लेस हुए थे, तो एक Na+ की वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो जितने हम उसके अंदर SR+2 ऐड करेंगे उतने ही उसमें वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो ये डिफेक्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स कि आयनिक सॉलिड्स विच हैव एटॉमिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो जैसे ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है तो हमारे माइंड में दो तरह के डिफेक्ट आते हैं, एक तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी और दूसरा हमारे दिमाग में आता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट। ठीक है, अब ये कलर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस में कलर आ रहे थे इसके अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स देखो उन्होंने एनायन वैकेंसी की बात करी, यानी किसकी बात कर रहे हैं, एफ सेंटर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा दिया था कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो जो सोडियम होता है वो क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और उससे ऐड होने के लिए, उससे कंबाइन होने के लिए सीएल नेगेटिव क्रिस्टल को छोड़ के आता है Na से जुड़ने के लिए, और Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो एनायन वैकेंसी यानी सीएल नेगेटिव की जगह आ जाता है, और एनायन वैकेंसी ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एफ सेंटर, एंड दैट एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर In case of sodium chloride, it becomes yellow. पूरी डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स।
अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो है अ ग्रुप 14 इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद सुटेबल इंप्योरिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो तब बनेंगे जब हम क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ऐड करेंगे, यानी हायर ग्रुप एलिमेंट मिलाएंगे। यानी 14 में हम 15 या 16 ग्रुप का एलिमेंट्स मिला देंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको नहीं करा रही हूँ, या तो और वैसे भी ये आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हमें कई बार जवाब देना नहीं आता। डिस्क्राइब द टर्म एमॉर्फस। ठीक है, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगी आपको एमॉर्फस किसे कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझा भी चुकी हूँ, बट यहाँ मुझे आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स। ग्लास, रबड़ एंड प्लास्टिक, दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसके अंदर। और वो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा ये वाला, फिर से आ गया कि इसके अंदर वो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि इनको फिर से क्लासिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप इसको कर ही लोगे क्लासिफाई कि कौन किस में आएगा। जैसे अमोनियम फॉस्फेट है स्टूडेंट्स, तो ये तो फॉर्मूला ही आ रहा है, तो बताओ ये किसके अंदर आ जाएगा, आयनिक के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके LiBr जो है ये भी फॉर्मूला आ रहा है, आयनिक में आ जाएगा। मेटेलिक में ब्रास यानी कि एलॉय आ जाएगा, रूबीडियम मैनी मेटल आ जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर में स्टूडेंट्स P4O10 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, P4 आ जाएगा। ठीक है, नेटवर्क के अंदर स्टूडेंट्स ग्रेफाइट और SiC आ जाएंगे। ठीक है, एमॉर्फस के अंदर स्टूडेंट्स प्लास्टिक आ जाएगा। तो ये आप देख लेना, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ लेकिन आप प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। आपको सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होने चाहिए और लर्न भी होने चाहिए और अप्लाई भी करना आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में ना इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये बहुत ही सिंपल होता है, सबसे इजी क्वेश्चंस में से ये होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता कि हमें ये अटेम्प्ट कैसे करना है क्योंकि ज्यादा इजी है। ठीक है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल। अननोन मेटल का एटॉमिक मास आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको अननोन जो है कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो आप उसका मास कैसे निकालोगे? इफ यू नो इट्स डेंसिटी, आपको उसकी क्या पता है? डेंसिटी पता है, डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल्स पता है, यानी कि आपको यूनिट सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो भाई सिंपल फॉर्मूला है इसके अंदर आपका, कि डेंसिटी का नाम आते ही ना स्टूडेंट्स फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ये वाला। कौन सा फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? ये वाला हमारा, ये वाला ही तो था फॉर्मूला हमारा कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, Zm/a³ × n₀। अगर वो हमें डेंसिटी बता देते हैं, हमें जेड पता है, हमें ए पता है, n₀ में ऑलरेडी पता है, तो मैम निकाल लेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला, और फिर हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, और फिर हम लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी, एज लेंथ, एवोगाड्रो नंबर एंड जेड, वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज द मास ऑफ अननोन मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है देखो बहुत ही घुमा फिरा के पूछते हैं सिंपल क्वेश्चन, यही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की खास बात है। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स रिफ्लेक्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बात तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब मेटल जो है उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जब वो हार्ड होगा तो भाई स्टेबल भी तो होगा। तो बताओ क्या रिलेशनशिप बनी, ग्रेटर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि कुछ कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं, तो बताओ भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ तीन फोर्सेस की बात करेंगे हम, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा आएगा, एच बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, फिर हमारा कौन सा आएगा, डाइपोल डाइपोल आ जाएगा। ठीक है, और फिर सबसे कम वीक कौन सा आ जाएगा, वांडरवाल आ जाएगा। तो देखो अब स्टूडेंट्स हिसाब लगाते जाओ किसके अंदर क्या क्या लगेगा। वाटर में क्या आ गया, एच और ओ, एच बॉन्ड होगा। इथाइल अल्कोहल में क्या आ गया स्टूडेंट्स, एच और ओ, तो इसमें भी एच बॉन्ड आ जाएगा। डाई इथाइल ईथर में स्टूडेंट्स ये होता है ईथर, CC होते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल आएगा। ठीक है, मिथेन तो हाइड्रोकार्बन हो गया, तो यहाँ वांडरवाल फोर्स आएगा। ठीक है, तो बताओ भाई सबसे कम किसका होना चाहिए, वांडरवाल फोर्स यानी 90.5 होना चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स किसका होना चाहिए, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट, डाई इथाइल इथर में और इथाइल अल्कोहल में। हिसाब से तो इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन डाई इथाइल इथर का ज्यादा हो रहा है,
क्यों ज्यादा हुआ है स्टूडेंट्स ये? क्योंकि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5, यानी इथाइल अल्कोहल का जस्ट C2H5OH इथाइल अल्कोहल का लगभग दुगुना हो गया, ठीक है? तो इसीलिए हल्का सा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, हालांकि इसमें वीक डाइपोल डाइपोल है। अब स्टूडेंट्स वाटर और इथाइल अल्कोहल में ज्यादा एच बॉन्डिंग किसमें मिलेगी? वाटर में, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स वाटर के अंदर तो HOH होता है ना, यानी ये दो तरफ से एच बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो ROH है अल्कोहल है वो तो एक ही तरफ से एच बॉन्ड बनाएगा। तो एच बॉन्डिंग की अमाउंट किसमें ज्यादा मिलेगी, मात्रा किसमें ज्यादा होगी? वाटर में, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन देखो, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये 8th वाला क्वेश्चन जो है। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर? लैटिस पॉइंट पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। लैटिस पॉइंट का क्या मतलब है? वो जगह जहां एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है? अब देखो ये लैटिस पॉइंट किस किस में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके किस किस में पूछ रहे हैं? सबसे पहले ये हमसे पूछ रहे हैं फेस सेंटर क्यूबिक। स्टूडेंट्स फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? जो हमारे एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, तो बताओ कितने कॉर्नर हो गए? 8 हो गए, प्लस फेस के सेंटर पे होते हैं, तो फेस के सेंटर पे स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? ये 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस 6, यानी टोटल कितने हो गए? 14 लैटिस पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो वो इस केस में कितने आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स देखो, कॉर्नर के कारण कितना हुआ? 1/8 × 8, और फेस सेंटर के कारण 6 × 1/2, यानी 4 आएगा। तो हम तो दोनों आंसर दे देंगे स्टूडेंट्स, हम तो नंबर ऑफ एटम्स भी बता देंगे और हम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट भी बता देंगे, बिकॉज इट इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। जो क्यूबिक में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यहाँ डायमेंशन चेंज हो जाएंगे एबीसी के, और ये डायमेंशन चेंज होंगे, अदरवाइज जो है 6 फेस सेंटर होंगे और 8 ही कॉर्नर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? अगला केस ले लेते हैं हम इसके अंदर, वो है बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर में स्टूडेंट्स बताओ क्या होता है कि क्यूब होता है और उस क्यूब के अंदर कॉर्नर होते हैं। अब कॉर्नर के कितने लैटिस पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स? 8 हो गए, प्लस बॉडी का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, तो प्लस बॉडी का सेंटर हो गया। बॉडी का सेंटर कितना हुआ? 1, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 9 हो गए। और अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं, तो कॉर्नर के कारण ये और बॉडी सेंटर के कारण 1, और टोटल कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ही मतलब माइन्यूट माइन्यूट से बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछते हैं, और ये एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ना एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझ के करना पड़ता है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में क्या तो सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, वो आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो ब्रिटल क्यों होते हैं, वो हार्ड क्यों होते हैं, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा पार्ट देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक में क्या सिमिलैरिटी। देखो दोनों में जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रोस्टेटिक टाइप के होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक में तो फोर्स लग रहा था एम प्लस और ई माइनस के बीच में, और एक में फोर्स लग रहा था Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में। तो ये वाली स्थिति किसकी है? आयनिक की है, और ये वाली स्थिति किसकी है? मेटल की। तो भाई फोर्स तो प्लस और माइनस के बीच में ही लग रहा है ना दोनों में, ठीक है? दूसरी बात जो है कि दोनों का बॉन्ड जो होता है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स मिलेंगे, दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक होगी बात? डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स इनके अंदर? दोनों ही केसेस के अंदर चूंकि नॉन डायरेक्शनल होंगे बॉन्ड्स जो होंगे वो नॉन डायरेक्शनल होंगे, तो नॉन डायरेक्शनल होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये होगी सिमिलैरिटी। अब स्टूडेंट्स हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस तो स्टूडेंट्स एक तो हमने करा ही था कि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो तो सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमने आयनिक पढ़े थे स्टूडेंट्स उसमें कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, और ये सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। ये कौन सी स्टेट में करेंगे स्टूडेंट्स? एक तो मोल्टन स्टेट में करेंगे और एक एक्वस स्टेट के अंदर करेंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये वाला।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, एफसीसी का नाम लेते ही स्टूडेंट जेड इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने एज लेंथ यानी ए की वैल्यू सेंटीमीटर में दे दी है, डेंसिटी उन्होंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी सीजीएस सिस्टम है, ये भी सीजीएस है ये भी सीजीएस है। हमें करना क्या है, एटॉमिक मास लगाना है स्टूडेंट। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको सारी वैल्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रखी है, पुट करो निकालो। और स्टूडेंट्स सिल्वर का तो एटॉमिक मास हमें लर्न भी हो जाना चाहिए, लगभग ये होता है 108 यू के बराबर, या ग्राम पर मोल कह लीजिए आप, एक ही बात है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 13th क्वेश्चन की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में तो कई बार वो स्टेटमेंट और डाटा भी सेम ले लेते हैं, हो सकता है वो डाटा बदल दें, बट वो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन डालते हैं। नायोबियम एक एलिमेंट है, क्रिस्टलाइजेस होता है बीसीसी में, डेंसिटी इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर में यानी सीजीएस सिस्टम में दे दी है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, हमें आर निकालना है स्टूडेंट्स। गिवन दैट एटॉमिक मास, आपको इसका एटॉमिक मास दे दिया है 93 amu। देखो स्टूडेंट्स, अब हमें आर इस फॉर्मूले में हमें आर तो मिलेगा नहीं, इस फॉर्मूले में हमें क्या मिलेगा, ए और ए से ए क्यूब से हम क्या निकालेंगे, ए और ए से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो 3-step प्रोसेस हो गया स्टूडेंट, पहले स्टेप में ए क्यूब, सेकेंड स्टेप में ए, और थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे स्टूडेंट्स। ए क्यूब तो हमारा सिंपल निकल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ए क्यूब में तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो क्या बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, की ये वाली वैल्यू कि आपको जो एज लेंथ दे रखी है उस पर ध्यान देना है। आपको कितनी एज लेंथ दे रखी है, सॉरी वो तो आपको निकालनी है। तो आपने ए क्यूब निकाला स्टूडेंट्स, ये रहा ए क्यूब निकाल लिया आपने, इसको 36 पॉइंट करके 10 की पावर 8 में ले गया। अब आपने 1/3 करा तो ये कट गया आपका यहाँ से, और ये 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि इसको x मान लिया, x इज इक्वल टू इतना हो गया, तो log x इज इक्वल टू इतना हो गया, तो 1/3 इंटू ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स के पहले एक ही डिजिट है, तो हमने इसका एक कम लिया यानी 0 पॉइंट ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम किसको किसके अंदर देखेंगे, हम 0.55 की वैल्यू 7 में देखेंगे और 5 में देखेंगे, और फिर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आई लॉग एक्स की, ये वैल्यू आई लॉग एक्स की, लॉग एक्स से हमें लॉग सॉरी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो हम इसी का क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अब स्टूडेंट देखो, पॉइंट से पहले तो 0 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 0 यानी कितना आ गया। अब 51 का स्टूडेंट्स हम किस में देख लेंगे, 9 में देख लेंगे, तो वो आएगा स्टूडेंट्स 0.3304 आएगा। तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब स्टूडेंट्स देखो, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा अभी क्या निकला है, एक्स निकला है, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा ये हमारा x है ना, कहाँ गया ये हमारा x इज इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, a आएगा, और फिर a से हम r निकालेंगे बीसीसी के लिए, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा और फिर हमारा निकलेगा। और स्टूडेंट्स देखो, आंसर हमारा किस में निकलेगा, आंसर हमारा निकलेगा यहाँ पर हमने किस में वैल्यू पुट करी थी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ जो हमने वैल्यू, हमने यहाँ पे सारी सीजीएस सिस्टम में वैल्यूज पुट कर रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर किस में आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम 10 to the power -10 ले रहे हैं, यानी 10 to the power -30 ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि हमने 10 की पावर -10 का होल क्यूब लिया होगा। 10 की पावर -10 कब लगाएंगे स्टूडेंट्स, जब हम पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, यानी स्टूडेंट्स हमारा आंसर किस में आया है, पिकोमीटर में आया है। याद रखना है स्टूडेंट्स इस चीज को, इस न्यूमेरिकल को आप बार बार देखना समझना स्टूडेंट्स, सब कुछ करने के बाद भी गलत हो जाता है, यूनिट्स के नंबर अलग से होते हैं, आप जल्दबाजी के अंदर यूनिट क्या लिख कर आओगे सेंटीमीटर, जबकि इसमें यूनिट आपकी क्या आएगी, पिकोमीटर में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्रॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे दी है कि, अब वो कह रहे हैं देखो, शो दैट कैलकुलेट डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद दिस, यानी इन्होंने स्टूडेंट्स हमें डेंसिटी दे दी है, बस हमें अब वापिस से डेंसिटी निकालनी है इन डाटा की हेल्प से, और देखना है कि वो इसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, देखो यहाँ पे वैल्यू पे ध्यान देना, सीजीएस सिस्टम के अंदर हमने वैल्यू पुट करी है, सीजीएस में दे रखी है हमें वैल्यूज, और ये सीजीएस सिस्टम में ही हमारी डेंसिटी निकली,
डीवी ये है हमारी, ये कैलकुलेट होकर आई है ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि इट इज इन एग्रीमेंट विद एज गिवन इन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जो ये वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको वीडियो में पहले ही समझा चुकी हूँ। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम आते हैं ये रहा, ये इससे पहले एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ये वाला। ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है, देखो क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब कॉपर की वैलेंसी प्लस वन है और ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू है। कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इन दीज ऑक्साइड्स कॉपर ऑक्सीजन रेशियो इज लेस देन दिस, यानी कि ये जो रेशियो है ये जो Cu2O था इसका रेशियो 2:1 से कम आता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स की कॉपर प्लस वन जो है उसकी कुछ कॉपर प्लस वन जो है वो कॉपर प्लस टू से रिप्लेस हुए हैं। स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी तो वैकेंसी क्रिएट होगी, दो कॉपर प्लस वन की जगह एक कॉपर प्लस टू आएगा तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अब उस वैकेंसी किसकी तरह वर्क करेगी? होल की तरह काम करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये होल की तरह बिहेव करेगी और ये होल्स मूव करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी में है, ठीक है, टू और एवरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड बाय फेरिक आयंस। फेरिक आयंस जो है वो जो है ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर है, डेराइव द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स माना कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एन, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने होंगे एन। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स की टू आउट ऑफ थ्री, ठीक है, यानी कि जो n है हमारे वॉइड्स इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से करेंगे, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहे हैं फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड का, देखो अब हमने लिखा FeO, O की संख्या तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ये तो स्टूडेंट्स हो गए n, और Fe की संख्या क्या हो गई स्टूडेंट्स 2n/3 हो गया, तो n से n कैंसिल हो गया तो Fe2O3 आ गया फॉर्मूला हमारा, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल करे थे बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में समझाया कि अगर हमको वो कहीं ना ऐसे पूछ लेते हैं कि इसको उसमें डॉप करा, इसको ऐसे इस चीज को उसमें मिला दिया तो किस तरह का सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लू दिए थे। एक तो मैंने आपको ये बताया था जैसे विद आ रहा है तो आई बाद में आ रहा है, इसका मतलब आईएन क्या बन गई आपकी इम्प्योरिटी, सबसे पहले हमें इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई करनी है। फिर जर्मेनियम कौन से ग्रुप का आ गया 14 का, इंडियम कौन से ग्रुप का आ गया 13 का, इम्प्योरिटी कौन से ग्रुप की होगी नंबर ग्रुप की, तो LP हो जाएगा यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गोल्ड एटोमिक रेडियस है नैनोमीटर में दे रखी है एटोमिक रेडियस, फेस सेंटर क्यूबिक में है, Z=4 अगर जरूरत पड़ी तो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइडम। देखो स्टूडेंट्स अब इन्होंने आर दे दिया, आर से हमें ए निकालना है और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए निकालना है, तो स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला D=2 क्या होता है, A√2 होता है इसके अंदर आपका, सॉरी A/√2 होता है, R=2 हो जाएगा, ये आर हो गया, R=2 ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है A, तो वो 2√2 आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नैनोमीटर में निकाल देंगे हम अपना आंसर, हमें क्या जरूरत है इसको किसी में कन्वर्ट करने की, जब इन्होंने हमें रेडियस नैनोमीटर में दी है तो एज लेंथ भी नैनोमीटर में निकलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल है ना स्टूडेंट्स ये वाला, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो वाला वीडियो आप देखें जिसमें मैंने कहा था डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने टिपिकल टाइप के जो करवा रखे हैं वहां मैंने सेम एग्जाम्पल करा रखा है, तो आप वहां से देख लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी उसमें वीडियो में करवा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि देखो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ना अब लेटेस्ट जो आपका टेक है, अभी मुझे नहीं पता इस साल आपका क्या रहेगा, जहां तक सुनने में आया है कि आपके 50% क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए और MCQ क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव से ज्यादा टफ पड़ेंगे।
क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जो आप लोगों को फोर ऑप्शंस देंगे ना, वो फोर ऑप्शंस जो है बहुत क्लोज होंगे और हमें हर क्वेश्चन सही लगेगा, हर ऑप्शन सही लगेगा हमें, और हम सोच ही नहीं पाएंगे किसको टिक करें और किसको नहीं। अच्छा स्टूडेंट, जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, ये भी दो तरीके के आ रहे हैं, एक जिसमें एक ही आंसर सही होगा और एक इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो वो तो आपके लिए और भी टफ पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू स्टडी थॉरोली, आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे तभी आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस तो वैसे भी आपके वन मार्क वाले जो होते हैं, एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं, और केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है सारा पेपर ही वन मार्क का बनकर आता है, 5 मार्क क्वेश्चंस भी 1+1+1+1+1 बन के आ जाते हैं, तो एमसीक्यू में आपको ऑप्शन देके और कंफ्यूज करते हैं वो लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप कुछ इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको करा सकूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वन बाय वन करके देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड स्टेट के लिए कौन सी कंडीशन ठीक रहेगी भैया? देखो, अब आप देखो स्टूडेंट्स कि सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज कब होती है? जब पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, पार्टिकल्स का क्लोज होना जरूरी है, तो आप उन फैक्टर्स को छोड़ दें जो पार्टिकल्स को दूर करेंगे। पार्टिकल्स को कौन दूर कर सकता है? टेम्परेचर कर सकता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए लू, ये ठीक है। थर्मल एनर्जी का मतलब भी तो टेम्परेचर से ही है, ये भी हट गया। वीक कॉजी फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है? वीक है, तो भाई वीक अट्रैक्टिव होंगे तो पार्टिकल तो दूर हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? लू टेम्परेचर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे माइंड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जब हम उनको कट करते हैं तो जो एजेस होते हैं वो भी शार्प होते हैं, इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो भी जो है वो फिक्स होता है, इनमें एन आइसोट्रोपी होती है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, मींस उनके कुछ प्रॉपर्टीज जैसे थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो है, दे विल चेंज विद डायरेक्शन, जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये सारी चीज हमने अपने माइंड में मेकअप कर ली, और अब हम इनके ऑप्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने देखा डेफिनेट, हाँ ये तो ठीक है, आइसोट्रोपिक नहीं, ये तो एमोर्फस का करेक्टर है, रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड सिस्टम, हाँ भी रिपीटिंग तो होती है, यूनिट सेल्स रिपीटेड ओवर एंड अगेन होती है तो बनता है, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, यस ऑब्वियस, ये यार क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू होते हैं और एमोर्फस जो होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं, आंसर हमारा आ गया आइसोट्रोपिक नेचर। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल वो क्वेश्चन करा देती हूँ स्टूडेंट्स जो थोड़े से मुझे किस तरह के लग रहे हैं, टिपिकल टाइप के लग रहे हैं, ये तो अभी फिलहाल इस साल आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, देखो क्वार्ट्स ग्लास की बात कर रही हूँ, देखो स्टूडेंट्स ग्लास किसका एग्जाम्पल था? एमोर्फस का था, एमोर्फस का एग्जाम्पल था। अब एमोर्फस की प्रॉपर्टी याद कर ली, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी डायरेक्शन में, डिफरेंट इन डिफरेंट, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा, ट्रू सही क्या है, हाँ आइसोट्रोपिक होते हैं, डिफरेंट इन डिफरेंट नहीं, गलत हो गया, कैन नॉट बी मेजर्ड, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आइसोट्रोपी के कारण हुई, आइसोट्रोपी के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, जीरो तो हो नहीं सकती, मेजर क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में सेम रहेगी, दैट इज करेक्ट अबाउट दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, शार्प का मतलब क्या है, फिक्स, और फिक्स तब होगा जब सभी पार्टिकल जो है वो रेगुलर फैशन में लगे होंगे पूरे क्रिस्टल के अंदर, तो वहां पर एक सिमेट्री आ जाती है, और उस सिमेट्री की वजह से जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे और कुछ तो ज्यादा नहीं बताना था। आयोडीन का मतलब I2 में दोनों एटम डाई एटॉमिक है, दोनों एटम आइडेंटिकल है, यानी कि नॉन पोलर। या नॉन पोलर में कौन सा फोर्स लगता है? वांडरवाल। लेकिन वांडरवाल की जगह यहाँ कौन सा नाम है? लंदन। तो मुझे बस यही बताना था कि लंदन फोर्स कह लो चाहे वांडरवाल फोर्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेटवर्क वाला ये आप अपने आप कर लेना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं होगा? देखो स्टूडेंट्स, अगर प्योर वाटर है तो इट इज द इंसुलेटर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन नॉन पोलर हो गया, इसलिए हो गया। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? सी एंड डी बोथ आ जाएगा। Mg तो मेटल है, TiO जो है ये भी मेटल की तरह बिहेव करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स जो होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब आंसर हमारा हो गया सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पे आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने पे क्वेश्चन के ऊपर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, ये आप अपने आप कर लेना स्टूडेंट्स। जो 13th क्वेश्चन है आपका, ऑक्साइड बिहेव, देखो स्टूडेंट्स, इंसुलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव्स एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भाई ऐसा है, TiO तो मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो ये तो कंडक्टर होगा ही। ठीक, अब इसके अंदर MgO स्टूडेंट्स क्या है? मेटल है, तो मेटल भी होगा। अब SiO2 तो स्टूडेंट्स कोवेलेंट है, ये तो इंसुलेटर ही होगा। टेम्परेचर पे डिपेंड क्या करना, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है तो इंसुलेटर ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका TlO3 आ जाएगा, ठीक है, थैलियम ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, मेटल की तरह कौन प्रॉपर्टी शो करता है स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो CrO2 आ जाएंगे। ठीक है, द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। क्रिस्टल में कौन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? क्रिस्टल के अंदर आयन हो सकते, एटम हो सकते, मॉलिक्यूल हो सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता इसके अंदर स्टूडेंट्स, जो है इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी अपने आप कर सकते हैं क्रिस्टल मैन, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ना घुमाने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायरिंग बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स देखो, चाहे डिफेक्ट किसी भी तरह का हो, क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल ही रहता है, चाहे वो स्टाइकियोमेट्रिक हो, चाहे वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो, चाहे वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो, क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? न्यूट्रल आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ये आप इजिली कर लोगे। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये क्राइम कर लेना, फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज, अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है यानी CCP की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, CCP की बात होती है तो नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं ना वो 4 होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो गए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल्स 8 होंगे। ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ भी 8 आ रहे हैं, वो शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ स्टूडेंट्स, और ये तो 4 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है 36, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी नहीं स्टूडेंट्स, ये आप अपने आप करना। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस, देखो स्टूडेंट्स, सिंपल क्यूबिक हमने तीनों का पढ़ा था, सिंपल का, FCC का और BCC, तीनों केसेस में हमने पढ़े थे, R और A के बीच में संबंध हमने पढ़ा था एज लेंथ। तो आप लोग में इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या होगी? सबसे पहले हमें इसमें बताना है FCC का स्टूडेंट्स, फिर हमें बताना है BCC का, और लास्ट में किसका बताना है? सिंपल का। सिंपल का तो स्टूडेंट्स 2R होगा, यानी इन दोनों में से ही एक होगा। फिर स्टूडेंट्स अंडर रूट 3 तो BCC वाले में आना था, तो फिर BCC वाला हो जाएगा, और फिर FCC, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो 36 का आंसर हमारा स्टूडेंट्स हो गया A। बहुत ही अच्छा टाइप का, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक लेवल वाला क्वेश्चन है ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बात चल रही है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल।
तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो बात पक्की है कि सबसे कम किसकी होगी, इंसुलेटर की होगी, उससे ज्यादा सेमीकंडक्टर की, और सबसे ज्यादा मेटल की। तो हम देखते हैं कि वो कौन से केस है जिसमें मेटल सबसे ज्यादा है। देखो तो ये तो कलर कट हो ही गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी आपका क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि और ये भी मेटल कट हो गया। आपका ये आंसर आएगा कि मेटल का है इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होता है, और इंसुलेटर से ज्यादा किसका होता है, सेमीकंडक्टर्स का। प्रैक्टिस चाहिए स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमें आते हैं लेकिन हमें कंफ्यूज हो जाते हैं उन ऑप्शंस को देख के। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ स्टूडेंट्स, अदरवाइज इतने क्वेश्चंस कराने की मुझे जरूरत नहीं थी आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अब आप देखिए कौन कौन से हैं। 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, यानी गलत है, इन 3D हेक्सागोनल रूल्स पैकिंग, यानी यह बात चल रही है HCP के, जिसमें हमने बात करी थी कि फर्स्ट एंड थर्ड लेयर वर्टिकली अलाइंड होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका आंसर जो आता है वो आपका आता है, 38 का आंसर जो आपका आता है वो आता है CND। तो सी और डी में क्या होता है, देखो सुन, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्मड व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकंड लेयर, ठीक है, मैं एक बार इसको रेगुलर करती हूँ, इन द सेकंड लेयर लाई अबाउट द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर एंड द ट्रायंगुलर स्पेस ऑफ दिस वॉइड डू नॉट ओवरलैप। टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं जब ट्रायंगुलर वॉइड जो सेकंड लेयर का होता है वो फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर आता है, यानी कि वो इस तरह का सीन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्मड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप विद द सिमिलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर, ठीक उसके ऊपर आ जाते हैं वो वाले। जब इसी के ऊपर और आ जाएंगे स्टूडेंट्स तो वहां पर आपके कौन से वर्ड्स बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल बन जाएंगे, याद कर लेना स्टूडेंट्स। और एक बार अपना वो डायग्राम जो है, मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था HCP और CCT का, वो अपना ड्रॉ करके फिर कंपेयर करना, ठीक है। ये आपके सिलेबस से फिलहाल इस साल हट गया है आपका स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए, स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, स्टूडेंट्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है डेंसिटी के ऊपर। फ्रेंकल डिफेक्ट का भी असर जो है रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ट्रू, गलत कौन सा है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है तो आप उसमें कोई ना कोई पार्टिकल मिलाओगे, मिलाओगे तो या तो वो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट पर आएगा या किसी को रिप्लेस करके आएगा, लेकिन आएगा तो उसका जो वॉल्यूम है उसका जो मास है वो तो अलग होगा, और जैसे ही मास चेंज होगा ना स्टूडेंट्स तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मास किसके ऊपर डिपेंड कर, सॉरी डेंसिटी किसको डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम पे, ठीक है। तो भाई ये बात तो गलत है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का असर डेंसिटी पे पड़ेगा। दूसरा, फ्रेंकल डिफेक्ट में तो स्टूडेंट्स डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो पड़ता ही नहीं है उसके अंदर कोई भी असर उसके ऊपर, तो कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स कि मेटल के बारे में क्या ठीक है, मेटल के बारे में क्या ठीक है। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट्स बॉन्ड बैंड थ्योरी तो अब की बार हमने पढ़ी ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इस साल बैंड थ्योरी हमारी हट गई है इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर तो मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग कर लेना ये क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा आपको कुछ मुश्किल आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है NaCl, तो आपको पता है FCC में होता है, FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 होंगे, दोनों बातें सही है, बी और सी, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेमॉर्फस को क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड भी कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं, तो टू सॉलिड नहीं कहते। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है लेकिन आप इसको इजीली कर लोगे, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाए हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसके बाद में ये आपके सिलेबस से हट गया है स्टूडेंट्स इस साल के लिए। उसके बाद में क्वार्ट्स ग्लास, स्टूडेंट्स बार बार वही बात आ रही है भाई, आप इसको एमॉर्फस मान के करिए, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका, ये भी आप अपने आप कर लेंगे स्टूडेंट्स ने,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके अंदर बनते हैं? जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, वो एफसीपी और एफसीसी में बनते हैं। एफसीसी को स्टूडेंट्स एफसीसीपी भी बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट को स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं और इस टाइप के मेट्रिक में भी आता है। डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी किसमें डिक्रीज होती है? इन दोनों में डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डिफेक्ट समझ में आए हुए हैं तो स्टूडेंट्स आप उसको इजीली कर सकते हो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी के हैं, ये आप अपने आप करना। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा जो मैंने वीडियोस वगैरह में शेयर ना किया हो। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कि एमॉर्फस सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एनीलिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स हमने कहा था, एनीलिंग एक वर्ड किया था हमने, कि अगर स्लो हीटिंग करें, कूलिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड करें तो एमॉर्फस सब्सटेंस एक्वायर करेगा। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में क्रिस्टलाइन से हम क्या बना सकते हैं, एमॉर्फस, और एमॉर्फस से हम क्या बना सकते हैं, क्रिस्टलाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका आना था वो आना था एनीलिंग का प्रोसेस आना था। स्टूडेंट्स आप अपने आप करना, मैच द फॉलोइंग, कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, हम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ आई थिंक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैंने आपको कल जो वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स ये सब कर चुके हैं, बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, तो अब हम आते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का। ये स्टूडेंट्स हॉट क्वेश्चंस पर हम जाते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें डायग्राम दे देते हैं और डायग्राम से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पहले तो हमसे डायग्राम ड्रॉ करवाते तब डायग्राम दे रहे हैं। देखो एग्जामिन द इलस्ट्रेशन पोर्शन डिफेक्टिव क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहाँ होता तो कौन सा होता, पॉजिटिव। और इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई होता तो कौन होता, पॉजिटिव होता। यहाँ अगर कुछ होता तो नेगेटिव होता और यहाँ कुछ होता तो नेगेटिव होता। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कितने पॉजिटिव मिसिंग है और कितने नेगेटिव मिसिंग है। तो दो ही तो नेगेटिव मिसिंग है और दो ही पॉजिटिव मिसिंग है। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग है। तो बताओ स्टूडेंट्स कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा। स्कॉट की बहुत आसान है, स्कॉट की हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आयनिक्स ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे दो, NaCl दे दिया। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कैसे इफेक्ट करेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने कैटायन रिमूव हुए हैं उतने ही एनायंस भी रिमूव हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ स्टूडेंट्स मुझे कि देखो सोडियम मेटल तो सॉफ्ट होता है जबकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हार्ड होता है, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट सोडियम तो होता है मेटल और सोडियम क्लोराइड होता है आयनिक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फोर्स है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो फोर्स लग रहा है कैटायन और एनायन के बीच में। यहाँ लग रहा है स्टूडेंट्स कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है फोर्स। तो कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता है। अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ डिपेंड करेगा कितना चार्ज है। अगर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और हमें पता है स्टूडेंट सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन ही है तो मेटेलिक बॉन्ड भी तो एक ही बनाएगा। तो मेटेलिक बॉन्ड्स जितने कम बनेंगे स्टूडेंट्स वो उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आप कि वाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 नॉट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। स्टूडेंट्स आयनिक क्रिस्टल में रेडियस रेशो की जो लास्ट रेंज थी ना वो ये थी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 8। ठीक है, तो इससे ज्यादा जो रेडियस रेशो की जो रेंज है वो इससे ज्यादा मिलती ही नहीं है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है भाई, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है वो।
अब देखो सीजियम क्लोराइड तो है बीसीसी, NaCl होता है FCC, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6:6, यहाँ कितना हुआ 8:8, ग्रेटर द कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन से आपका करोगे। एक चीज स्टूडेंट्स मैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में बताना भूल गई हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो NaCl का क्रिस्टल है उसको हम CHCl में कन्वर्ट कर सकते हैं और CHCl के क्रिस्टल को हम NaCl में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज करके। स्टूडेंट्स NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, यानी सोडियम और क्लोराइड दोनों का 6:6 और यहाँ होता है 8:8। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ अगर 8:8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है यानी ये ज्यादा क्लोज है। ज्यादा क्लोज कब आएंगे, ज्यादा क्लोज कब आएंगे जब हम NaCl के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो जब NaCl के क्रिस्टल में Na और Cl कंपैरेटिवली दूर है और अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पास आएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स तो सीजियम क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में, क्योंकि पार्टिकल्स कंपैरेटिवली दूर हो जाएंगे। और हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये चेंज है FCC और BCC के बीच में, प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो FCC BCC में बदल जाएगा और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो BCC है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FCC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैं आपको इस चैप्टर के मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए और वो क्वेश्चंस मैंने आपको ज्यादा करवाए हैं जो थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं, थोड़े टिपिकल टाइप के हैं जिनमें कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये सारे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप चैप्टर जब आप लर्न कर लें स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका पेपर अटेम्प्ट अच्छा होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं। कई बार ये होता है कि मैटर तो हमें अच्छे से तैयार हो जाता है लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमें वो मैटर उस क्वेश्चन पर अप्लाई करना नहीं आता। इस यही रीजन है कि मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ स्टूडेंट्स, और डेफिनेटली अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हो स्टूडेंट्स तो 95+ तो गारंटीड आपके मार्क्स आएंगे जितना मैं आपको काम करा रही हूँ। अगर इतना काम आप ऑनेस्टली उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हो, उसको लर्न भी कर लेते हो, तो आई एम डैम श्योर आपके 95+ कहीं नहीं जाते और आपके 100 out of 100 भी आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।